देवेश, हम वहीं प्रस्थान कर रहे थे, किंतु उसके पूर्व हम आपको कुछ स्मरण दिलाने आए। क्या? देवेश, आप पुराने देवराज हैं, इस बात का स्मरण रखिएगा, ये बात आपके और हमारे बीच का एक रहस्य है। हमें स्मरण है देव। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। और साथ में ये रस्सी क्यों लाए हैं? छोटे उस्ताद, अच्छे सवाल करते हो, जवाब भी तुमको हम अच्छा देंगे। वो क्या है कि यही वो सड़क है जहाँ से इंस्पेक्टर साहब निकले है? का है, पिछले एक आध दिनों से हमको अवॉइड कर रहे हैं, और इससे पहले ट्रिपल जे का इनाम उनकी जेब में जाए वो हमारी जेब में आएंगे। ये रस्सी उनका रास्ता रोकने के लिए, उनको अड़ंगी देने के लिए, का समझे? चेक पोस्ट देखो कभी? लगता है आ रहे हैं। पूछे तो रस्सी की, ये क्या बदतमीजी, मेरा रास्ता क्यों रोके हो? बताते हैं इंस्पेक्टर साहब, बताते हैं। ऐसा है कि आजकल हम टीवी में और अखबार में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ट्रिपल जे को आपने पकड़ा। अब ये तो आप जानते हैं कि सरासर झूठ है, पकड़ा तो हम दोनों ने है, क्यों भाई? हाँ, तो वो तो सब जाने दीजिए, आप मलाई खाइए, लेकिन हमको हमारा इनाम दे दीजिए, बस बहुत हो गया। कैसा इनाम रे? ट्रिपल जे को गोलियों के बौछार के बीच से मैंने पकड़ा, और इनाम तुझे चाहिए। चुपचाप निकल यहाँ, वरना ऐसा केस बनाऊंगा कि जेल में केस ही ढूंढता रह जाएगा। हाँ, और हाँ, आज के बाद से भी कहा ना कि ट्रिपल जे को तुमने पकड़ा है, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, ये तो धोखा हो गया। अरे हाँ, बड़ा वाला। अरे बड़े वाले को साले बड़ा पत्थर मारेंगे इसको, इंस्पेक्टर तुम्हारी तो। धैर्य सर, हो गया, बस रहने दीजिए ना। हाँ, क्यों रहने दूँ? एक मिनट वेट करो। पता है संतोषी, सर पे ऑयल लगाने से दिमाग ठंडा रहता है, और अगर दिमाग ठंडा होता है ना तो पूरे शरीर को ठंडक मिलती है। और वैसे पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मेरे बीवी का दिमाग गर्म है, ये आई थिंक मेरे लिए ही फायदेमंद है, तो मुझे कर ले। अच्छा ठीक है, तो हमें दीजिए, हम खुद। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ये सेवा करने का हक मेरा है। थोड़ा सा पता है संतोषी, जब मुझे पहले से हुआ था तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, वो एहसान तो मैं तुम्हारा उतार नहीं सकता, पर हाँ, तुम्हारी थोड़ी सेवा करके, तुम्हारा थोड़ा ख्याल रख के मैं अच्छा फील कर सकता हूँ। दिन में इतना बदलाव।
कुछ काम था बेटा? नहीं आंटी, मैं ये बोल रही थी कि आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे आपके साथ सोना है। नहीं, आज से तुम्हारी संतोषी आंटी यहीं सोएंगी। तुम जाओ अपने कमरे में, रुद्राक्षी है ना वहां। रुद्राक्षी ने जो चाहा वो हो गया, अब मैं आगे उसकी मर्जी का कुछ भी नहीं होने दूंगी। आज मामा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही संतोषी माँ की पूजा करता हूँ। रुद्राक्षी, तुमने वो बचा हुआ केवच का फल कहाँ रखा है? वो मैंने छुपा के रखा है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। लेकिन तुम केवाच के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अंकल उसे ढूंढ रहे हैं जो इस घर में वो केवाच का फल लाया है। अगर उन्हें पता चल गया कि वो केवाच का फल हम लाए थे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी के अभी उस केवाच के फल को बाहर फेंक के आओ। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं अभी उसे फेंकती हूँ। एक बार तुम इस केवाच को बाहर फेंको, फिर तुम भी इस घर से बाहर हो जाओगी। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अब तक भूख भूख नहीं लग रही है क्या दोनों को? अब तक नाश्ता नहीं किया? मंगला, मम्मा, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम नाश्ता कर लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। हम ठीक है बेटा, हमें आराम की कोई जरूरत नहीं, देखो हम ठीक है जी। मंगला, अब तक बच्चों ने नाश्ता क्यों नहीं किया? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे तुम। मैडम, मैंने पौलमिका को दिया था, उसने तो खा लिया, लेकिन रुद्राक्षी के पीछे तो बहुत भागना पड़ता है। रुद्राक्षी, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्यों करते वैसे? उत्तम, अति उत्तम पुत्री, तुम वहां धरती लोक पर देवी संतोषी की दोनों भक्तों को कष्ट पहुंचाओ, और हम यहाँ देवी संतोषी की वो दशा करेंगे कि वो धरती लोक पर अपने भक्तों की सहायता ही ना कर पाए। अरे, जिसको खुद का होश ना हो वो क्या नाश्ता करेगा? संतोषी बेटा, जब से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है ना, ये बच्ची तो सिर्फ भागी गई है। कभी भगवान के मंदिर में जाके पूजा करती है, और कभी सारा सारा दिन अकेले बैठ के बस रोती रहती है। राक्षी, सच्ची में आपको इतनी फिक्र है हमारी? अब हम ठीक हैं, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। I'm so sorry mama कि आपको मेरे कारण प्रॉब्लम है, पर आप और पापा एक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। I'm so happy mama। रुद्राक्षी बेटा, इतना प्यार करती हो अपनी मम्मा से? हाँ मम्मा, मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे संतोषी, जब कल तुम बीमार थी ना, तो धैर्य ने तुम्हारी बहुत सेवा की, और हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा बेटा। हाँ काकी, बहुत सेवा, इसलिए तो उनकी पसंद का गाजर का हलवा बना रहे। ईश्वर करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा बना रहे। प्यार से याद आया, इन दिनों हम बड़े प्यारे प्यारे भजन सुन रहे थे। एक मिनट, आपको भी सुनाते हैं। पता है संतोषी, जब हम यात्रा पे थे ना, तो हमें ऐसे पलों की बहुत याद आती थी। लगता है हमें मम्मा को सब कुछ बता देना चाहिए, वो अच्छी है, मैं माफ नहीं करेगी। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? हाँ, मेरी मीटिंग फिक्स कर दो, और जो पेपर्स दिए थे वो साइन हो जाने चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया था मैंने।
और सिंघानी की जो फाइल आई थी उसका क्या हुआ? मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। जल्दी करिए अंकल, वरना रुद्राक्षी अपना काम कर लेगी। सी यू इन द ऑफिस, बाय। बोलो क्या काम? अंकल मुझे ऐसा लग रहा है कि रुद्राक्षी चोरी कर रही है। क्या? हेमा, मैं चाहती हूँ कि मामा को पूरी सच्चाई पता चल जाए, पर पोलोमी का भी सही है। माँ आप बस मामा पापा का प्यार बनाए रखना। सच्ची अंकल? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना, जो उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अरे अंकल अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो खुद चल कर देख लीजिए। देखो मुझे कहीं नहीं जाना और तुम्हारी ये फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। क्या छुपा रही तुम हाथ में? दिखाओ। क्या हुआ? दिखाओ क्या हाथ में? रुद्राक्षी तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। लगता तुम ऐसे नहीं मानोगी। दो। पापा उसे खोलिए क्या मत? वो खुजली वाला के वाच है। क्या कहा तुमने? खुजली वाला केवाच? आई कांट बिलीव दिस। संतोषी, पापा, मां, अरे क्या हुआ धैर्य? बात क्या है? क्यों डांट रहे हो उसे? क्या हुआ धैर्य सर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो इसे, गुस्सा क्यों? मुझे नहीं पता था ये छोटी सी लड़की इतना खतरनाक काम करेगी। अरे बाबा बताएंगे आखिर हुआ क्या है? तुम्हें जो ये केवाच लगा था ना, पिचिंग हुई थी, वो ये लेके आई थी। और अभी चोरी से चुपके से इसे ये बाहर फेंकने जा रही थी। अरे आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अब आएगा मजाक। रुद्राक्षी तुम्हें कौन बचाएगा? रुद्राक्षी ये आप लेकर आए थे? कहाँ मिला तुम्हें ये? मंदिर में। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि रुद्राक्षी ऐसा कुछ भी कर सकती है। मतलब संतोषी को जो इचिंग हुई थी वो इसके बाद से हुई थी, तुमने लगाया था? हाँ। अच्छा हुआ रुद्राक्षी कि तुमने खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हारी इस हरकत से मामा को कितनी तकलीफ होगी? वो मामा जो तुम्हें बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा। पापा मैंने मंदिर में चौपाई सुनी थी, उसमें कहा गया था कि दुख के समय प्यार की पहचान होती। आप और मामा के बीच झगड़ा चल रहा था तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करूं जो आप और मामा की लड़ाई खत्म हो जाए। और ऐसा करने के लिए मुझे पोलोमिका ने कहा था। देवी लक्ष्मी आप
आपने उचित समय पर रथ का प्रबंध कर यात्रा को सरल बना दिया। अब हम शीघ्र ही कैलाश पहुंच जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम, अत्यंत ही मनमोहक दृश्य ही है। माता के साथ साथ इस प्रकार तीनों देवियों को भ्रमण करते देखने का अवसर कई वर्षों पश्चात मिलता है और हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। प्रणाम माते, प्रणाम देवियों। किंतु माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। आप सभी कहाँ प्रस्थान कर रही हैं? देव ऋषि, हम देवी संतोषी के लिए महादेव से प्रार्थना करने जा रहे हैं। नारायण नारायण। माता सरस्वती, हम आपको निराश नहीं करेंगे, किंतु देवों के देव महादेव इस समय किसी विशेष तप में लीन हैं और किसी को ज्ञात नहीं कि वे कहाँ हैं। हमें तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कुछ समय और आपको यथास्थिति में ही रहना होगा, क्योंकि देवी पौलमी देवराज इंद्र को देव सभा आहूत करने नहीं देंगी। देव न्यायालय हमारे लिए जो भी निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार होगा। माते, आपको तो ज्ञात है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। आपको जो उचित लगे आप वही कीजिए, हम सदैव आपके साथ हैं। अब हमें आज्ञा दे माते, आज्ञा दे देवियों। हम भी अपनी कुटिया को प्रस्थान करते हैं माते। प्रतीत होता है कि हम तीनों देवियों को मिलकर ही कुछ उपाय निकालना होगा। हमें किसी भी हालत में ये पता लगाना होगा कि वो लड़की कौन है और धैर्य सर को ऐसे फंसाना क्यों चाहती है। पानी किसने रखा? हमने तो नहीं रखा था। क्या है, क्या पढ़ रही हो तुम? इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? खुद ही देख लीजिए, आप भी देखेंगे तो मुस्कुराएंगे। देखिए आपकी बेटी ने क्या लिखा है। रुद्राक्षी ने लिखा, उसको क्या लगता है कि वो सभी नौटंकी करेगी तो मैं उसे माफ कर दूंगा? उसे कोई माफी नहीं मिलने वाली। धैर्य सर, ये भी तो सोचकर देखिए कि उसने जो कुछ भी किया है हो सकता है गलत इरादे से ना किया हो। एक बार उसकी बात शट अप प्लीज। ठीक है, उसके इरादे जो भी थे ना, मुझे नहीं जानना, मुझे कोई बातें सुननी उसकी।
संतोष, हमारे ये वृक्ष आपका ध्यान भंग कर देंगे और यही नहीं, ये आपको शक्तिहीन बनाए रखने में हमारी सहायता भी करेंगे। देर कर दी आप लोगों ने तो आने में, किसी पार्टी वार्टी में गए थे क्या? नहीं। तो फिर मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, भूख नहीं है, मत लगाना। ये क्या बात हुई, पार्टी में भी नहीं गए और अब खाना भी नहीं खाना? मंगला, तुमसे कह दिया ना कि भूख नहीं है, बस। कुछ दिन और रुक जाओ संतोषी, भूख प्यास नींद सब चली जाएगी। अब सर आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं। सर में दर्द हो रहा है संतोषी, एक काम करो ना, थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ी चंपी थोड़ी मालिश कर दो ना मसाज। क्या हुआ, कुछ बोलो। ढंग से लगाओ सर मेरी बहू, प्यार से जैसे खाना बनाती हो ना ऐसे बना। हेलो मैडम, चुन्नी सर लाइन पे बात कीजिए। हाँ चुन्नी सेठ, हम बोल रहे हैं डक्सा डीजे ट्रिपल जे, हमारी बात ना मानने का अंजाम जानते हो? हाँ, आंख फुड़वा के हाथ पांव तुड़वा देंगे। जल्दी से हफ्ता भेजो हमारा, जल्दी, ठीक है? फोन काटो। अरे बा, बहुत अच्छे से लगाई हो। अब एक काम करो, ये सब तुम रख लो। वो कहाँ है ना डीजे ट्रिपल जे, जो चीज एक बार इस्तेमाल कर लेती है फिर वो चीज दोबारा इस्तेमाल नहीं करती, रख लो। अरे बॉस, आप इतनी जल्दी आ गए? मैंने कहा था ना, कोई भी जेल ट्रिपल जे को ज्यादा दिन तक कैद में नहीं रख सकती है। मैं जेल तोड़कर भाग आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुमने एक औरत को मारने के लिए सुपारी ली है। हाँ, ली है। तुम्हें पता होना चाहिए ट्रिपल जे के कुछ उसूल है, वो बच्चों और औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाता। नहीं उठाता होगा, हम उठाते हैं। डीजे ट्रिपल जे के कुछ अलग उसूल हैं। डीजे? डीजे कौन है? डीजे उर्फ दक्षा जनार्दन ट्रिपल जे, इस गिरोह की नई बास। मजाक अच्छा था, फिलहाल हम मजाक के मूड में नहीं है, चलो हटो, कुर्सी छोड़ो मेरी। कुर्सी को
देख रहे हो इलाकेट ये तुमने ही हमको दिए। क्या बोला था? अब जिसके गले में ये लाकेट होगा ना तकसा, वही गिरोह का बॉस होगा। किसके गले में है ये लॉकेट? किसके गले में है? तो कौन हुआ बॉस? हम हुए। चल हटो यहां से। भगोड़े कहीं की जेल से भाग के आ गए। का उधर का देख रहे हो? हाँ अरे ये जेवर वेवर सोना चांदी उतारो सब, जाकर काम करो, बहुत काम है घर में। हाँ रसोई में जाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, झाड़ू पोछा, खाना बनाओ, टिनवा के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, जाओ। हमारे भक्त द्वारा बनाए जाल से हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। अब धरती लोक से देवलोक तक केवल असत्य ही दिखेगा। हमारा माया जाल प्रत्येक स्थान पर व्याप्त हो चुका है। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि। कहीं देवर्षि ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? देवी पौलमी देख रही है ना आप, अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। माता के साथ साथ तीनों देवियां वन में भटक रही हैं। अब उनके जीवन में यही कार्य शेष रह गया तो कोई क्या कर सकता है। वैसे आप चाहे तो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। नारायण नारायण। देवी पौलमी कदाचित आप भूल नहीं हैं कि तीनों देवियां जगत जननी हैं, जगत जननी। उनका मार्गदर्शन बल हम कैसे कर सकते हैं? हम तो यहाँ ये ज्ञात करने हेतु आए हैं कि नवीन वृक्षों का जो माया जाल हमारे समक्ष आया है उसमें किसका हाथ हो सकता है। देवर्षि आपको स्मरण होना चाहिए कि उन तीनों देवियों की भांति हम भी एक देवी है। नारायण नारायण। देवी पौलमी हमारा विश्वास कीजिए, हमारा मनतव्य, हमारा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाने का, आपको रुष्ट करने का नहीं था। कहां जा रही हो संतोषी? अपने हाथों से चप्पी कर दो ना, पता है तुम्हारे हाथ लगते ही ना मेरा सर दर्द ऐसे 10 मिनट में यूं गायब हो जाता है। समझ नहीं आ रहा कि जो देख कर आए हैं वो सच है या जो देख रहे हैं वो। क्या सोच रही हो? प्लीज जल्दी लगा दो ना। सर आपसे एक सवाल पूछे। पूछो। चुप क्यों हो गई? पूछो ना। अरे बोलो। नहीं कुछ नहीं। वैसे देखो संतोषी, जब कोई ख्याल दिमाग में आए ना तो उसे दबाते नहीं है, पूछ लिया करते। इससे दिल और दिमाग दोनों हल्का रहता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।